उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपने जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। आदर्श, अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी और उच्च मानवीय मूल्यों के बिना किसी का जीवन महान नहीं हो बन सकता। दिन में आप एक बार स्वयं से बात करें, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका चूक जाएंगे। सोच भले ही नई रखो, मगर संस्कार हमेशा पुराने होने चाहिए। किसी मकसद के लिए खड़े हों तो एक पेड़ की तरह, गिरो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा उगकर उसी मकसद के लिए जंग कर सको। जो तुम सोचोगे वही हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमज़ोर सोचते हो तो तुम कमज़ोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। केवल ज्ञान होने से कुछ फायदा नहीं है, वह कब और कैसे इस्तेमाल किया जाए इसका ज्ञान होना आवश्यक है। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसे ही मंजिल मिलती है। दोस्तों, स्वतंत्र होने का साहस करो। जहाँ तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहाँ तक जाने का साहस करो और उन्हें अपने जीवन में उतारने का साहस करो। यह कभी मत कहो कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप कैसे हो ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आपको आपसे ज़्यादा और कोई नहीं जानता। अगर हमें कभी अपने ज़िंदगी में सफल बनना है तो हमें अपने समय पर ध्यान देना होगा। दोस्तों, किसी चीज़ से मत डरो, तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्भयता ही है जो क्षण भर में परमानंद लाती है। आप जोखिम लेने से भयभीत ना हों। यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व करते हैं, और यदि हारते हैं तो आप दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हो। दोस्तों, तुम्हें अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना है। कोई तुम्हें तब तक शिक्षित नहीं कर सकता जब तक तुम खुद से प्रयास ना करो। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान। ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रख कर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। स्त्रियों की स्थिति में सुधार होने तक विश्व के कल्याण का कोई भी मार्ग नहीं है। दोस्तों, शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई वाण नहीं। दोस्तों, जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर उसका विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। पवित्रता, धैर्य तथा प्रयत्न के द्वारा सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि महान कार्य सभी धीरे धीरे होते हैं। दोस्तों, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपने पूरी एकाग्रता उसमें डाल दो और बाकी सब भूल जाओ। इस दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। दोस्तों, हमारा कर्तव्य है कि हम हर किसी को उसका उच्चतम आदर्श जीवन जीने के संघर्ष में प्रोत्साहित करें और साथ ही साथ उस आदर्श को सत्य के जितना निकट हो सके लाने का प्रयास करें। कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। दोस्तों, समस्याओं से कभी भी भागकर पीछा नहीं छुड़ा सकते, उसका सामना करके ही समाधान कर सकते हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। सच्ची सफलता और आनंद का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वह पुरुष या स्त्री जो बदले में कुछ नहीं मांगता, पूर्ण रूप से निस्वार्थ व्यक्ति सबसे सफल है। विश्व में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनमें समय पर साहस का संचार नहीं हो पाता और वो भयभीत हो उठते हैं। दोस्तों, सफलता और असफलता दोनों ही हमारे ज़िंदगी का हिस्सा है।
लेकिन कोई भी हमेशा के लिए जीवन का हिस्सा नहीं होता है। हम जितना ज़्यादा बाहर जाएं और दूसरों का भला करें, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें बसेंगे। दोस्तों, यदि किसी बुद्धिमान व्यक्ति को उसकी गलती बताओगे तो वो आपको मित्र बना लेगा, लेकिन कोई मूर्ख को उसकी गलती बताओगे तो वह आपको शत्रु बना लेगा। यदि कोई मनुष्यता का पाठ पढ़ा सकता है और जीवन में शांति, परोपकार, सद्भाव और दूसरे मत के प्रति आदर की भावना ला सकता है तो वह है भारत का हिंदू धर्म और दर्शन। दोस्तों, कामनाएं समुद्र की भांति अतृप्त है, पूर्ति का प्रयास करने पर उनका कोलाहल और बढ़ता है। और दोस्तों, अच्छे दोस्तों की तलाश हम नहीं करते हैं, हम तो जिसे दोस्त बनाते हैं वो भी हमारे लिए अच्छा दोस्त।